वहीं उदयपुर में हुए घटना को लेकर दुर्ग बंद का हिंदूवादी संगठनों व भाजपा द्वारा किए गए आह्वान का दिखा व्यापक असर। ज्यादातर दुकानें रही बंद, बाजार सहित सड़कें रही सूनी। उदयपुर की घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों के भारत बंद का असर दुर्ग में भी दिखाई दिया। यहां ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और बरसते पानी में भी हिंदूवादी संगठन और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर व्यापारियों से बंद का समर्थन करने की अपील करते नजर आए। हिंदूवादी संगठनों के बंद के चलते दुकानें और सब्जी बाजार के साथ ही बाजार में लगने वाले छोटे बड़े चाय के ठेले भी बंद दिखाई दिए। गौरतलब है कि उदयपुर में हुई घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन आंदोलित है और इसी के चलते शनिवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर दुर्ग में भी दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद का आह्वान करने पर चेंबर व कॉमर्स व कैट ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया। यही वजह है कि सुबह से ही बाजार पूरी तरह सूने और दुकानों के शटर तक नहीं खुले। इस संबंध में भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा एवं भाजपा के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल जी का जिहादियों ने हत्या कर दिए थे, उनके विरुद्ध में पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे सारे हमारे आनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ता कल भी गली गली निकल के निवेदन किए थे दुर्ग जिले के और दुर्ग नगर के व्यापारियों से कि कल अपने सारे दुकान व्यापार केंद्र बंद रखें। आज सुबह 4:30 बजे से सारे हमारे अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बहने लगातार लगी हुई हैं और निश्चित तौर से ये दुर्ग शहर जो है 100% बंद है। ये जो उदयपुर की घटना हुई वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर आघात नहीं था, समाज के सोच के ऊपर आघात था, खौफ पैदा करने वाला आघात था। ये एक सिर्फ हत्या नहीं है, इसके इस क्रिया की प्रतिक्रिया जो आज बंद करके लोगों ने की है वो ये आह्वान तो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का था, उसको समर्थन दिया राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी ने और व्यापारिक संगठनों ने भी, और ऐसे हर इंसान ने जो अपना शटर आज बंद करके रखा हुआ है, अपने प्रतिष्ठान को बंद करके रखा हुआ है, वो एक जवाब देना चाहता है, वो एक उत्तर देना चाहता है कि इस टाइप की क्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रतिक्रिया होगी। आज एक आम इंसान बहुत ज्यादा रुष्ट है, उद्वेलित है और डरा हुआ है। जैसे कि पहले ये सब चीजें लाइट नहीं ले रहा था, जैसे कि कुम्हारी की घटना हुई 12 जून को, उन्होंने इंस्टाग्राम में जो मैसेज डाला नुपुर शर्मा जी का, उसके उसको भी धमकी आई, तो वो उसने लाइट नहीं लिया, लेकिन इस घटना के बाद उसकी सोच बदल गई और तुरंत वो गया कि और पुलिस में रिपोर्ट दिखाई और बोला कि जब तक वो अंदर नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं अपने प्रतिष्ठान में, अपने जहां पर काम करता हूं दफ्तर में नहीं जाऊंगा। सोच के ऊपर आघात को, उस सोच का की प्रतिक्रिया आज बंद करके लोगों ने बंद किया। ये दबाव में बंद नहीं था, ये प्रभाव में बंद था और एक उत्तर दिया गया है। इससे इस कृत से न सिर्फ मुस्लिम समाज शर्मसार है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मुस्लिम समाज के जो बेचारे बहुत शर्मसार हैं और मानव जाति शर्मसार हुई है। ऐसे कृत आगे ना हो, इस वजह से ये बंद है। उदयपुर में हुई नृशंस हत्या अब पूरे भारतवर्ष में विरोध की वजह बन रही है। केंद्र शासन को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करके कोई ठोस हल निकालने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।